हमारी चढ़ाई लगभग आधी कंप्लीट हो चुकी है। वो सामने आप देख सकते हैं पहाड़, कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे हम लोग वहाँ पे। पहाड़ के ऊपर ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की तारें, जो कि गलत है। प्लास्टिक बैन, कितना सारा प्लास्टिक आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप में से किन किन कौन कौन से लोगों ने मतलब यहाँ पे दर्शन किए हैं, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। हरिद्वार में रुद्राक्ष का माला बहुत ही ओरिजिनल मिलता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको आपके आंखों के सामने वो जो फल होता है ना रुद्राक्ष का, उसके सामने से आपको कट करके माला बना के देंगे आपके सामने। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मतलब आपको एकदम ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलेगा आपको। कोई भी उसमें मिलावटी या फिर कोई भी डुप्लीकेट रुद्राक्ष नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, अगर टाइम मिला तो आपको दिखाएंगे आज शाम के ब्लॉग में, जब हम लोग आरती वगैरह के लिए जाएंगे गंगा घाट पे तो। और ये खूबसूरत सा नज़ारा इस पहाड़ का, जो कि वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल पहाड़ है। प्रसाद तो हम लोग ले चुके हैं अपने साथ पहले से ही। दोस्तों, ये जो इलाका है ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये पूरे पहाड़ी इलाका है, पूरा दूर दूर तक बस पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ है। और हरिद्वार ज़्यादा फैला हुआ जगह नहीं है, तीन चार पहाड़ियों के बीच में एक घना जगह है, जिसको आप आसानी से एक दिन में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये है मंदिर की पवित्रता बनाए रखने का एक बोर्ड, माँ चंडी देवी मंदिर। आप लोगों को शायद देख नहीं रहा होगा, लेकिन हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। और ये इधर एक अच्छा खासा एक खाई भी है इधर से, अगर आप देख रहे होंगे तो ये गंगा जी के दर्शन हो रहे होंगे आप लोगों को यहाँ से, गंगा माँ का। और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट से लोग आते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर यहाँ यूपी और उत्तराखंड के लोग ही मिलेंगे, क्योंकि ये उनका होम स्टेट है, वो लोग आते रहते हैं यहाँ पे। हरिद्वार में बहुत बाजारीकरण हो चुका है दोस्तों, इसे इस बार मैं देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि आज से लगभग 5 साल पहले इतना बाजारीकरण नहीं था। ये है राम, कौन सा फल नाम का? अनमोल फल, राम भगवान जी का प्रसाद है, मीठा वाला फल। अच्छा, इसको मैंने खाया है, ये हमारे सिटी में भी मिलता है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने भी खाया होगा इसे। वही मैं बोल रहा था दोस्तों कि बाजारीकरण नहीं होना चाहिए किसी भी धार्मिक जगह का। ये उस जगह की पवित्रता को धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है। जैसे कि इस बार मैं आया तो एकदम चकाचक वो बड़े सारे वाले रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, आप आइएगा तो देखिएगा, खूब अच्छे एकदम ऊपर 2-3 फ्लोर में रेस्टोरेंट वगैरह बना दिए हैं पूरा। और मेरे ख्याल से ये सब ठीक है, खाने पीने का अच्छा उत्तम प्रबंध होना चाहिए, लेकिन इतना चकाचौंध नहीं होना चाहिए। ये कुछ आपको दिखाना चाहूँगा, ये अच्छा खासा खाई है। यहाँ बंदरों का एक बहुत ही बड़ा झुंड है दोस्तों, इसलिए मैं आगे निकल जाता हूँ कहीं वो लोग अटैक ना कर दें।
अगर आपको पहाड़ चढ़ते चढ़ते भूख लग जाता है तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय छोले कुलचे भी हैं, आप पेट भर के नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। सोडा वोडा मिल जाएगा आपको पहाड़ चढ़ते टाइम। माला की दुकानें छोटी है, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल माला चाहिए तो मैं बोलूँगा वो जो अंदर में मार्केट है ना, हरिद्वार के अंदर में हर की पौड़ी के अंदर से जाते हैं, उस मार्केट से आप लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको बहुत ही पुराने दुकान मिल जाएंगे, आपको एकदम ओरिजिनल मोती माला ये सब आपको बेचेंगे। ये सब रोड किनारे से आप लोग नहीं लीजिएगा क्योंकि दाम उतना ही पड़ेगा, लेकिन आपको ओरिजिनल शायद ना मिले, इसलिए मैं वहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वहाँ से लें। नीरज ने भी कई सारी मालाओं का धारण किया। नीरज एक बार दिखाना अपनी माला कौन कौन सा, ये सब है और ये गले में है, सब ओरिजिनल रुद्राक्ष है। गाइस तो मुझे हम लोगों को तो पहाड़ चढ़ने में कुछ खास प्रॉब्लम आ नहीं रही है क्योंकि हम लोग शुरुआत से पहाड़ी चढ़ते आए हैं, इसलिए हमें खास प्रॉब्लम हो नहीं रही है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में हम लोग हिमालयस में भी जाने वाले हैं तो वहाँ पे हमारी रियल परीक्षा होगी। और आप लोग भी देखिएगा इस ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि हमारा एक एडवेंचरस ब्लॉग चैनल है तो आप लोग को इसमें और कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, आपको इसमें पूरा एडवेंचरस और रहस्य से भरी हुई चीज़ों को देखने को मिलेगा। क्योंकि नीरज जो है ना वो एक अकल्ट को फॉलो करता है। बैठ जाओ, सांस फूल गया तुम्हारे। अब वो अकल्ट का नाम है तंत्र विद्या, भैरव तंत्र विद्या, अघोर साधना को फॉलो करता है नीरज। इसलिए हमें, और मैं भी एक मतलब पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, मैं सात्विक पूजा पद्धति को फॉलो करता हूँ, इसलिए हम दोनों को मतलब कि शहर या फिर कोई चकाचौंध वाली जगहों को छोड़ के ऐसे पहाड़ों में और ऐसे पहाड़ों में छुपे छुपे मंदिर आश्रम साधु संतों से मिलना ज़्यादा पसंद है। हम आपको इस चैनल में अगर कोई रियल साधु जो अपनी साधना में लीन है, कहीं सिद्ध साधु कहीं दूसरे दूर जंगलों में, तो उनसे ज़रूर मिलवाएंगे, आपको उनका इंटरव्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो साधु बहुत हैं यहाँ हर के पौड़ी में, आपको देखे होंगे साधु, बहुत मिले होंगे साधु, हाँ, पर अभी तक कोई सिद्ध साधु नहीं मिले। तो हम लोग उन साधुओं से आपका परिचय करवाएंगे। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जुड़े रहें इस ब्लॉग। अगर आप लोग जॉब करते हैं या फिर आप लोग पढ़ाई करते हैं या स्टूडेंट हैं, आप लोग इन ब्लॉग के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे सनातन संस्कृति के बारे में, और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। मिलता है आगे के ब्लॉग में। तो भाइयों और बहनों, हम लोग पहुंच गए हैं माँ चंडी देवी के मंदिर में, आप लोग यहाँ का दर्शन कीजिए। ये है यहाँ का एक छोटा सा खूबसूरत सा मंदिर। गर्भगृह इधर है, इधर आ जाओ। हाँ भाई कर लेते हैं बहन, अभी तो चालू किए हैं, बोल रहा कैमरा बंद करने के लिए। कैमरा तो तभी बंद करेंगे जब कैप्चर कर लिए। जय माँ चंडी। ओह गजब का हवा है यहाँ पे, एकदम पहाड़। दोस्तों जरा इस पहाड़ को गौर, इस पहाड़ को देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ है। और ये रहा पौराणिक सिद्ध स्थल माँ चंडी मंदिर हरिद्वार। ये एक पौराणिक सिद्ध स्थल है जो कि सिद्ध किया गया है। यहाँ पे मांगी हुई आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। खूबसूरत सा मंदिर पहाड़ी के चोटी पे।
मोबाइल से फ़ोटो खींचना प्रतिबंध है यहाँ पे, लेकिन देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। कैमरा बंद है इसलिए हम लोग कैमरा बंद कर रहे हैं। ये था मंदिर और मंदिर था, ये अंदर में मना था गर्भगृह में। यहाँ से ये था मंदिर, आपने दर्शन किया माँ चंडी देवी का जो कि एक पौराणिक सिद्ध स्थल है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर। और भी अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे। हाँ इधर वाले दोस्तों, तो आज का दिन ख़त्म होने वाला है और हम लोगों ने अपना चंडी देवी यात्रा संपन्न कर लिया है और हम आ गए हैं गंगा घाट पे थोड़ा विश्राम करने। विश्राम करने के बाद हम लोग अपने कमरे पे जाएंगे और विश्राम करेंगे। दिन के टाइम पे हाफ था। हाँ दिन के टाइम पे हाफ था। ये जो घाट देख रहे हैं आप, इसका पानी जो है ना वो चढ़ गया है। आधा था ये पानी और नीचे तक था, मतलब कि जब हम लोग मंदिर की ओर जा रहे थे पहाड़ी पे, अभी देख सकते हैं ये पानी चढ़ गया है। ये और गंगा का जो धार है काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग को नहीं दिख रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। अब पानी बहुत ही ठंडा और निर्मल। कैंसिल दबा दो, कैंसिल दबाना, लो बैटरी मोड कर, अभी इंड कर देंगे।